हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो थे रोमांटिक एज के राइटर थे। इनके फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, मदर थी एने। 1787 में ये एडमिट हुए थे कॉलेज में, जिसका नाम था जॉन कॉलेज, और ये कॉम्ब्रिज में ही था। और इन्होंने फर्स्ट 1790 में ये पहली बार फ्रेंच गए थे, और 1791 में इनको अवार्ड दिया गया था बीए का। एंड विजिट टू फ्रेंच जाना पड़ा था, जिसके लिए इनको वहाँ पे इनकी मुलाकात एनेटे वेलॉन से हुई थी, और उनसे उनकी एक बेबी हुई थी जिसका नाम था कैरोलिन। 1793 में इनकी फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था एन इवनिंग वॉक। 1795 में ये पहली बार एसटी कॉलरेज से मिले थे और ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई थी, लेकिन उसका सिर्फ फर्स्ट एडिशन ही आया था। 1800 में इसका सेकेंड एडिशन आया था। 1802 में इन्होंने मैरी हचिंगसन से शादी की थी, और इसी सन में इनका थर्ड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट आया था। फोर्थ एडिशन 1805 में आया था, और 1950 में इनकी पोम्स आई थी टू वॉल्यूम में, जिसका फर्स्ट एडिशन ऑफ कलेक्टिव पोएम्स पब्लिश हुआ था। 1843 में ये अपॉइंटेड हुए थे एज अ पोएट लॉरेंट। मैंने आपको बताया था पोएट लॉरेंट एक एक सम्मान होता है जो पोएट को मिलता है, वो भी इनको मिला था 1843 में। 1850 में इनकी डेथ हो गई थी, 23 अप्रैल 1850 में इनकी डेथ हो गई थी। डेथ के बाद इनका एक वर्क पब्लिश हुआ था उसी सन में, द प्रोलेग्यू पब्लिश हुए थे, लेकिन ये आफ्टर डेथ हुई थी। 1850 में ये पूछा गया है बहुत बार, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि जब 1850 में ही उनकी डेथ हुई है और 1815 में ये वर्क हुआ है, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज रहते हैं कि ये डेथ के बाद हुआ है या डेथ के पहले हुआ है। तो ये वर्क जो है उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ है। अब हम आ जाते हैं उनके इम्पॉर्टेंट्स वर्क पे। तो जो उनके इम्पॉर्टेंट्स वर्क हैं वो हैं टिंडर एबे, ये तो आपको पता ही है, तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इमोरलिटी ओड, द प्रोलेग्यू टू मिल्टन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और टू ड्यूटी, ल्यूसी पोएम, शी वॉज अ पैंटम ऑफ डिलाइट, टू द कुकू, द सोल्जर रिपर, द डेफोडिल्स, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लियोडामिया, पील कैस्टिल, ऑल टू ड्यूटी। ये सारे ही वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और बायोग्राफी के बाद मोस्टली हमारे वर्क राइटर्स अब हो ही चुके हैं। अब हम इनके वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो कुछ तो हेल्प आपको मिली होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट राइटर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने सपनों के लिए ऐसी मेहनत करते रहें। बाय बाय।